वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और मंडे को कल आप कैसे ट्रेड करोगे इंट्राडे में एंड उसका लॉजिक है ट्रेड का हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और पहली बार इस चैनल पे आओ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलर एक लॉजिकल एनालिसिस आपको मिलता रहे और आप चीज़ों को अच्छे से ट्रेड कर पाओ मार्केट में। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं फिलहाल मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। देखो मार्केट जनरली किस तरीके से ट्रेड करता है, अगर इसको ऊपर जाना है अच्छी कैंडल के साथ वो इस टाइप की कैंडल बनाता है, ना कि इस टाइप की कैंडल बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बाकी अगर मैं अभी ट्रेंड की बात करूँ तो ओवरऑल देखूंगे यहाँ से इस टाइप का एक पैटर्न ये बना सकता है। अगर मार्केट ये लेवल अब अगर ब्रेकडाउन देता है यहाँ से तो हमको एक काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी वीकली टाइम फ्रेम पर पोजिशनल ट्रेड में। ठीक है, जो कि आपको इंट्राडे में भी डेफिनेटली वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, अभी पैटर्न की बात करूँ तो एक हेड एंड शोल्डर ये बना सकता है। अगर इसको अब फिर से दोबारा मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक राउंड लेवल नंबर की मैं अगर बात करूँ तो आपको ये ध्यान रखना है, अब अगर मार्केट 44,000 के नीचे निकल रहा है, ठीक है 44,000 या 43,900, ये जो मार्केट ने लास्ट वीक का जो लो बनाया था इसको इस हफ्ते में मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ बाउंस किया, तो दोबारा अगर मार्केट नीचे आकर इसको ब्रेक करता है, लास्ट वीक का जो लो है हमको दिख रहा है 900 के आसपास है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो इसके नीचे हमको एक चाप सेलिंग देखने को मिल सकती है और आपको अच्छे ट्रेड सेलिंग साइड मिल सकता है। बाकी यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर इस स्विंग को मार्केट अब अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से आपको जो टारगेट मिल सकते हैं ऑलमोस्ट आपको एक राउंड लेवल नंबर यहाँ पर 43,000 है, तो ये एक बड़ा टारगेट आपको 43,000 के आसपास का मिल सकता है अगर ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। ये सेलिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है बाय के लिए बात कर रहा हूँ। मार्केट हो सकता है यहाँ पर एक हफ्ता और साइडवेज हो सकता है, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे जाकर इस तरीके से साइडवेज हो सकता है। बाकी अगर इसके ऊपर जब तक कि सस्टेन नहीं करता है 45,000, चूंकि एक राउंड लेवल नंबर है, तो 45,000 के ऊपर जाने के बाद ही मार्केट कहीं ना कहीं फिर बुलिश सेंटिमेंट में आ सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, उससे पहले कहीं ना कहीं साइडवेज या फिर एक नेगेटिव ट्रेंड ये कंटिन्यू कर सकता है। इन दो चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चीज़ों को और देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट किस टाइप की कैंडल बना रहा है, तो सिंपली अभी बात करें तो फिलहाल मार्केट साइडवेज है, यानी कि एक रेंज में मार्केट जो है वोलेटाइल बना हुआ है। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, कोई डायरेक्शनल एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहा है। तो ठीक है, इस टाइप के मार्केट में जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑप्शन सेलर को, क्योंकि अभी विक्स भी ऑलरेडी लो है एंड अभी आप देखोगे तो विक्स लो होने के कारण प्रीमियम वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है एंड इस टाइप का अगर मार्केट वोलेटाइल बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस आपके फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमको फिलहाल प्लान क्या करना है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 45,000 के ऊपर तभी मार्केट एक बुलिश साइन यहाँ से देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से हो क्या सकता है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा। सेलिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ये लेवल निकालता है 44,000 के नीचे या 43,800 या 900 इसके नीचे कहीं ना कहीं निकलने लगेगा, तब जाके हमको एक सेलिंग साइड अच्छा ट्रेड आपको आने वाले टाइम पर मिल सकता है। ठीक है, अभी हम 50 मिनट पर देख लेते हैं मंडे को आप इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो एंड आपको क्या चीज़ें प्लान करके रखनी है। तो अभी हम देखें तो सिंपली हम एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, इस तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं देख सकते हो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, सेलिंग हुई, फास्ट सेलिंग थी, यहाँ से देखो कितनी जबरदस्त गिरावट थी, यहाँ से आया फिर से मार्केट एक शानदार सेलिंग हुई। ठीक है, दोबारा मार्केट ने बाउंस किया, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं किया तो मंडे को ही मार्केट यहाँ से एक फॉल करने लगेगा, और मान लीजिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर सस्टेन कर जाता है या फिर इसको ब्रेक करेगा तब जाके एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है लेवल्स, चलिए लेवल्स दिखा देता हूँ किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है, ठीक है देखो क्योंकि लास्ट डे का ट्रेड थोड़ा सा पॉजिटिव था तो हमारा थोड़ा सा बायस रहेंगे पॉजिटिव साइड, बट ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इंपॉर्टेंट लेवल है ये 500 से लगाकर 600 की रेंज के बीच में, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट यहाँ का ही ओपन होता है इस रेंज के बीच में 500 के आसपास ओपन होने के बाद डायरेक्टली डे का हाई ब्रेक करता है तो इसके ब्रेकआउट पर एक बार बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, उसमें आपको फिर टारगेट लेके चलना है 775 से 800 का फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट ये कंटिन्यू कर रहा है तो आपको ये टारगेट जनरली लेके चलना है। ठीक है, एंड उसके ऊपर में अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 44,950 से लगाकर 45,000 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ से मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती है या फिर ये लेवल ही डिसाइड करेगा आने वाले टाइम पर कि मार्केट किस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, तो इन कुछ लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको सेलिंग साइड बात करूँ, अगर मार्केट को गिरना है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अगर यहाँ का ही ओपन हो रहा है मार्केट ओपन होने के बाद पहली कैंडल रेट बनाकर डायरेक्टली 400 के नीचे निकल जाता है तो हम कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, बस कल के दिन में आपको क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि मार्केट
अगर नीचे निकल रहा है थोड़ा सा क्वांटिटी आपको कम रखना है, क्योंकि मार्केट का लास्ट डे का ट्रेंड पॉजिटिव था, हो सकता है इस तरीके से बाउंस करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा, अगर मान लीजिए नीचे नहीं जाना है मार्केट को तो वो इस तरीके से फिर ये साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको ट्रेड साइड मिलता है तो यहाँ से अगर पहली कैंडल रेड बना अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो इसके नीचे फर्स्ट टाइम में आपको एंट्री मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ से आपको मिल जाएगा। नीचे में आपको टारगेट लेके, अगर बाई चांस आपका ट्रेड चलता है तो फिर आपको टारगेट लेके चलना है 44,150 के आसपास का, ठीक है। 200 से 150 का आपका ये टारगेट रहेगा, बाकी ये लेवल डिसाइड करेगा यहाँ से ही कंटिन्यू करेगा फिर से ऊपर या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो फिर 44,000 का आपका टारगेट रहने वाला है, बाकी 44,000 के नीचे फिर आने वाले टाइम पर आपको एक बड़ा ट्रेंड इसके नीचे देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। चलिए फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार, वीकली टाइम फ्रेम पर हम थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं फटाफट से। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट को देखोगे तो सेम चीज़ जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया उसी टाइप का पैटर्न मार्केट यहाँ पर बना रहा है। मार्केट अभी सिर्फ टाइम पास कर रहा है, साइडवेज खड़ा है। लास्ट वीक में काफ़ी अच्छी ऊपर तेजी हुई थी, फिर से गिरावट हुई, अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट ये हाई लेवल सस्टेन करता है, यहाँ पर देखो राउंड लेवल नंबर हमको क्या दिख रहा है, एक 20,000 का राउंड लेवल नंबर है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 20,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। 20,000 के नीचे जब तक के मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम में है, ये चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा सा बना के रखना है, क्योंकि 20,000 का एक राउंड लेवल नंबर है, ठीक है। चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। मार्केट फिलहाल तो साइडवेज खड़ा है और एक वॉलीटिलिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बायर के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है, ना कि ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है। चलिए अभी इसको हम 15 मिनट पर देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। जिस तरीके से हमने अभी बैंक निफ्टी में देखा उसी टाइप का पैटर्न मार्केट इसमें भी बना रहा है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है देखो। यहाँ पर हमको सिंपली ट्रेड आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में, किस तरीके से प्लान करना है, चार आपके चार इंपॉर्टेंट लेवल से इन पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, कहाँ पर क्या ट्रेड करना है वो आपको समझ लीजिए। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस जो डे का हाई मार्केट ने लगाया 19,800 के आसपास, 811 के आसपास, अगर यहाँ से लगाकर 700 के रेंज में, इस 100 पॉइंट की रेंज के बीच में मार्केट ओपन हो रहा है तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ से ओपन होने के बाद थोड़ा सा गैप अप या साइडवेज ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली डे का हाई ये ब्रेक करता है, इसके ब्रेकआउट पर हम बाई के लिए प्लान करेंगे, फिर आपको टारगेट लेके चलना है ऑलमोस्ट इस लास्ट स्विंग हाई के आसपास, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा तो यहाँ तक का टारगेट आपको देगा, ठीक है। तो 900 से लगाकर 930 का आपको ये टारगेट लेके चलना है, 900 राउंड लेवल नंबर है तो इसी के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाकी ये लेवल डिसाइड करेगा फिर कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने वाला है, यहाँ से सेलिंग आने वाली, बाय एनी चांस मार्केट अगर गैप ओपन हो जाता है 900 से 930 की रेंज में, अगर यहां का ही मार्केट ओपन हो रहा है और यहां से अगर पहली कैंडल रेड बना रहा है, ठीक है, पहली कैंडल रेड बनाकर उसका लो ब्रेक करता है तो यहां से हम फिर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। पहली 5 मिनट की कैंडल हो गई या फिर इस लेवल से हमको एक सेलिंग एरिया क्योंकि हमको ये दिख रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यहाँ से हमको सेलिंग आ सकती है। तो इस लेवल से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती आप डायरेक्टली गैप अप होने के बाद आप यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट ये लेके चलना है डे का हाई, ये अगर होल्ड करता है ठीक, अगर नहीं होल्ड किया तो फिर ये टारगेट और नीचे इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। बाय एनी चांस मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद डायरेक्टली फिर 19,700 के नीचे या 680 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे अगर निकल जाता है तो इसके नीचे फिर हम सेल के लिए प्लान करेंगे। फिर आपको टारगेट लेके चलना है प्रीवियस डे का लो के आसपास 550 के आसपास या 600 एक राउंड लेवल नंबर, ये टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। और ये 550 का ऑब्वियसली लेवल ये होल्ड नहीं करेगा तो इसके नीचे ये कंटिन्यू करेगा, 400 के आसपास का फिर 500 के आसपास का टारगेट आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में एक बार, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है और आपको क्या करना चाहिए। निफ्टी में मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट निफ्टी में कोई भी गिरावट नहीं हो रही है, ठीक है। जिस तरीके का मार्केट में सिर्फ निफ्टी के अंदर सिर्फ मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, देखो यहाँ पर तेजी हुई और इसको नीचे आने में काफ़ी लंबा समय यहाँ पर ये लग चुका है, ठीक है, बल्कि कोई खास गिरावट नहीं हुआ। अगर इस हफ्ते में सिंपल इसको ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, इस हफ्ते का हाई ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको इस निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बाइंग साइड में अगर आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे तो मेरे हिसाब से वो निफ्टी के अंदर अच्छे ट्रेड बाइंग साइड मिलेंगे, सेलिंग साइड आपको बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में आपको अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इसमें क्या एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है इस हफ्ते का हाई अगर ब्रेक होता है, बाकी ये अगर ये लो अगर ब्रेक करता है आने वाले टाइम पर तो इसके नीचे फिर उसके बाद हमको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। अभी तक जो सेलिंग हमको देखने को मिली वो शार्प सेलिंग नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन के हिसाब से सेल कर रहा है, नीचे आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अगर मार्केट अब अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, दोबारा ये जो मार्केट ने लो लगाया है इस हफ्ते में,
अगर ये लेवल अब अगर ब्रेक करता है यहाँ से, तो इसके नीचे हमको एक शार्प सेलिंग जरूर देखने को मिलने वाली, आपको एक बड़े सेलिंग ट्रेड इसके नीचे देखने को मिलेंगे। बाकी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है देखने, इसके ब्रेकआउट पर थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी अच्छे लेवल पर दिख रहा है, बाइंग साइड में अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम सेम चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक सिंपली हमको एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो सिंपली अगर इसका ये ब्रेकआउट यहाँ से होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है मंडे के दिन में। तो सिंपली इसके डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट पर हम बाई के लिए प्लान करेंगे, सेल साइड थोड़ा सा हम वेट करेंगे। जब तक कि इसके नीचे निकलता नहीं तब तक अग्रेसिवली हम सेलिंग नहीं करेंगे, इसके नीचे निकलने के बाद ही हम अग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मार्केट को, कौन से लेवल पर आप क्या कर सकते हो वो लेवल्स वगैरह हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम प्लान करने वाले हैं सेलिंग साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कम ट्रेड अभी प्लान करना है इसके अंदर। मान लीजिए यहाँ से अगर ये ब्रेक भी करता है इसके नीचे तो हमको कम ट्रेड कम क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हो, बस क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, या तो ट्रेड को अवॉइड करना है या क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। बाई साइड यदि पहले हम बात करें तो बाई साइड अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है यहाँ से 400 से लगाकर 460 के या 450 के रेंज में ओपन होता है, तो और यहाँ से अगर इसको ये ब्रेक करता है डे का ब्रेकआउट पर बाई के लिए प्लान करेंगे। 500 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये लेवल डिसाइड करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ऊपर की तरफ जाएगा। मेजरली अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 500 के ऊपर मार्केट, तो एक अच्छा मोमेंटम फिर 570 से 580 का टारगेट आपको यहाँ तक का ये टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेलिंग साइड बात करूँ, मार्केट अगर 400 का लेवल होल्ड नहीं करता है, ठीक है, इसके अगर मार्केट मान लीजिए इसी रेंज के बीच में मार्केट ओपन हो रहा है और 400 के नीचे अगर निकल जा रहा है तो इसके नीचे हम सेल करेंगे, बस क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। फिर 350 का टारगेट है और ये लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा। 350 का लेवल होल्डर नहीं करता तो फिर 300 तक का आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है किस तरीके से मार्केट को निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को ट्रेड करना। मंडे को यदि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो बाकी ये सारे लेवल्स वगैरह एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ मॉर्निंग में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो हमको सिंपली जाके सर्च करना है ट्रेडिंग हाइस्ट ऑफिशियल, ठीक है। मैंने नाम इसका चेंज कर दिया, पहले ट्रेडिंग हाइस्ट ब्रैकेट में मेरा नाम था, अभी इसको मैंने ऑफिशियल कर दिया। तो ट्रेडिंग हाइस्ट ऑफिशियल इसमें जाके सर्च करना है और इसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2,250 के आसपास लोग इसमें जुड़े हुए हैं एंड सारे लेवल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो इसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले। वीडियो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।